Ignited Minds Tutorials has just released a new video on understanding MOS for Class 8 CPSC students. This knowledge explanation article aims to provide a comprehensive understanding of various laws and their significance in the Indian culture. The video may cover topics such as the meaning and importance of laws, the sources of laws, fundamental rights and duties, and the role of the judiciary in upholding the laws of the land and why breaking down complex legal concepts. Understanding necessary to navigate the legal landscape of their country. Whether you're a student looking to brush up on your understanding of laws or an educator seeking additional resources for your classroom, Ignited Minds Tutorial's latest video is bound to be a valuable resource on SO. Grab your notebooks, hit play, and get ready to deepen your understanding of laws in India. नया लॉ आया जिसको अपन यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं. नाउ इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से हाउ डू थिंग्स वर्क बेसिकली, ठीक है, कैसे काम होता है कि ये लोग कुछ टाइमिंग का समझते ही नहीं है, पता नहीं आके खड़े हो गए. Okay, hence people might criticize this law, hold public meetings, write about it newspapers, TV reports, ठीक है. Okay, जैसे अभी आया था देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इसमें क्या होता है, देखो एक कम्युनिटी है जिसमें अगर तो इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो, उनको अगर डिवोर्स फाइल करना है तो उनको प्रॉपर कोर्ट के प्रोसीजर से फाइल करना रहता है, तभी जाकर कोर्ट एक डिवोर्स एग्रीमेंट बनाती है बिटवीन द टू पार्टीज, फिर एलिमनी डिसाइड होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. लेकिन एक कम्युनिटी है जहाँ पे इस चीज़ को नहीं माना जाता है, ठीक है, वहाँ पे अगर हस्बैंड ने बोल दिया तलाक तो ख़त्म हो गया बात, ठीक है, जिसको हम ट्रिपल तलाक बोलते हैं, ठीक है. सो इसको लॉ बनाने के लिए, ठीक है, काफ़ी सारी मशक्कत करनी पड़ी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो इस डिवोर्स को हम मानेंगे ही नहीं ऐसा, ठीक है. ओके, सो इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर्स सिटीजंस कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट. तो कभी कभी उस कम्युनिटी को लग रहा है कि ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, हमारे कम्युनिटी पे अटैक हो रहा है, ठीक है. लेकिन अगर आप बॉर्डर परस्पेक्टिव में देखिए तो एक कंट्री है जिस कंट्री में अगर हस्बैंड और वाइफ को सेपरेट होना है तो वो जो लॉ है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे पंजाबीज हो, चाहे महाराष्ट्रियंस हो, चाहे बंगालीज हो, इंक्लूडिंग दैट कम्युनिटी एज वेल विच इज़ नॉट ट्राइंग टू ओबे इट, ठीक है. उनके हिसाब से हस्बैंड ने बोल दिया तो डिवोर्स खत्म, ठीक है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. अभी हो क्या रहा है, देखो काफ़ी सारे जो वाइफ्स हैं जिन्होंने भाई साहब अपना अच्छा खासा टाइम यू नो स्पेंड किया है फैमिली को सेटअप करने में, अचानक भयानक में आप उनके 40 या 45 साल की उम्र में आप बोलेंगे डिवोर्स, ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे, वेयर वुड दे गो, दे आर अनएडुकेटेड, देयर एंटायर लाइफ वॉज स्पेंड इन यू नो बिल्डिंग अप द फैमिली, नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू आर सेइंग डिवोर्स, वेयर वुड दे गो, कहाँ जाएंगे वो, ठीक है. तो एक बहुत बड़ा क्राउड है जो जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास रहने को नहीं है, ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ा सोसाइटी में चैलेंज पोज अप करेगा और इसी को कर्ब करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा रहा है. तो ऐसे चीज़ों को जब लाया जाता है तो उस कम्युनिटी को लग रहा है ये गलत है ना, तो ये हमारे कम्युनिटी पर अटैक हो रहा है ऐसा ऐसा लगता है, ठीक है. हालांकि ये डिस्कसिव चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लोगों को लगता है कि जो लॉ है वो उनके लिए गलत है या वो उनके लिए हार्मफुल है, ठीक है. ओके, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील दैट अ रॉन्ग लॉ हैज बीन पास्ड, देन देयर इज अ प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज दिस. फॉर एग्जांपल, वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल. तो आपका भाई साहब हॉकिंग तो काफी, देखो क्या स्ट्रीट वेंडिंग या हॉकिंग इलीगल है भाई, देखो रास्ते पे अगर आप चीज़ों को बेचोगे तो रास्ते में मूवमेंट गड़बड़ होगा ना, ठीक है. अगर ऐसे अभी यहाँ से कैसे गाड़ियाँ जाएंगी, कोई गाड़ी जाना रहेगा तो कैसे जाएगा, ठीक है. यहाँ पे भी भाई साहब फुटपाथ पे लोगों के चलने के लिए बना है,
कैसे? तो लोग भाई साहब रस्ते पे चलेंगे तो गाड़ियां टकरा सकती हैं। तो ऐसे अगर हॉकर्स हैं तो ये तो गलत है, ठीक है। लॉ तो बना हुआ है कि आप ऐसे स्ट्रीट में चीज़ों को सेल नहीं कर सकते या हॉकिंग नहीं कर सकते, स्ट्रीट हॉकर्स नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग दुकान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो रस्ते पे ही बेचते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। यार इन लोगों को क्या टाइम नहीं समझ में आता है, ठीक है। ओके सो ऐसा हो जाता है कि कुछ लॉज आपके तो आपका देखो ये एक अनपॉपुलर लॉ हो गया भाई साहब, ठीक है। ओके नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक। बहुत लोगों के पास घर नहीं है तो अभी भाई साहब फुटपाथ पे सो रहे, रोड पे सो रहे, लेकिन उनके लाइफ को रिस्क है। तो ऐसा डिस्प्यूट होता है, ठीक है। ऐसे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी को लग रहा है कि ये लॉ, ठीक है। हाउएवर वन ऑल्सो कैनॉट डिनाई, लेकिन हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि भाई साहब हॉकर्स एंड वेंडर्स प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज चीपली एंड एफिशिएंटली टू मिलियंस। ये भाई साहब चीप में चीज़ों को बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको दुकान के सेटअप पर कॉस्ट नहीं लगता, दैट इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हेंस इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप, ठीक है, लॉ भाई साहब फेवर वन ग्रुप एंड डिसरिगार्ड्स द अदर, इट विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल। ये हॉकर्स लोग बोलेंगे ये हमारे साथ जाती हो रही है, ठीक है, हम कहाँ जाएं। पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉज इफ इट फाइंड्स दैट दे डू नॉट अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन क्लास, ठीक है, ये आपका वुमेन्स मूवमेंट था। देखो द फोटो देयर शोड द डिफरेंट वेज इन विच सिटीजन्स कैन प्रोटेस्ट कैंपेन एंड शो सॉलिडैरिटी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई लॉ आ गया तो वही लॉ होगा, आप उसके अगेंस्ट में डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं और यूनिटी दिखा सकते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग पिक्चर पॉइंट्स, वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर रोल एज सिटीजन्स डज नॉट एंड विद इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, रादर इट इज देन वी बिगैन टू यूज न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज बीइंग डन बाय आवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। हमारे पास पूरा हक है कि वो जो काम कर रहे हैं उसको क्वेश्चन करें, ठीक है, और जो लॉज पास हो रहे हैं वो वैलिड हैं कि नहीं उस पर डिस्कशन करें, ठीक है। सो वी हैव ऑल दीज राइट्स। दस वॉट वी शुड बेयर इन माइंड इज दैट इन इट इज द एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट एंड एंथुसियाज्म ऑफ द पीपल दैट हेल्प्स पार्लियामेंट परफॉर्म इट्स रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस प्रॉपरली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, किस लेवल तक हम इन्वॉल्व हैं, एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट एंड एंथुसियाज्म, ठीक है, इससे ही आपका पार्लियामेंट सही सही फंक्शन करेगा, ठीक है। सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है।